बिटवीन क्रस्ट एंड एक और टीम हमारे साथ जो खेल रही है, थोड़ा बहुत चलता है। टोटल गेमिंग का हम लोग बात करें तो वो जोन के बाहर फंस चुकी है, बट उनका यहाँ पर बचना देखे इम्पॉसिबल रहने वाला, बिकॉज एफएफई स्पोर्ट्स उनको गेट कीप करने वाली है। माफिया बाला एंड जाओ बॉय, टू प्लेयर्स पिन डाउन, एंड आई डोंट थिंक उनको यहाँ पर अलाउ करने वाली है एफएफई स्पोर्ट्स की टीम अंदर आने के लिए। माफिया बाला स्नीक के अंदाज में वहां पर प्रोन डाउन रहेंगे, इतने आगे आगे बढ़ रहे थे। जाओ बॉय ने बहुत सारा उनको लो भी करा था, बट नॉट एनफ टू टेक हिम डाउन। जिस स्टेट इनके पास हेल्थ किट नहीं रहेगा, सो ही कैन नॉट गेट Helped up quickly, so कहीं ना कहीं यहाँ पर वेट करेंगे जा बॉय एंड माफिया वाला, क्या यहाँ पर सर्किल के अंदर आ पाएंगे? There is no way, यहाँ पर माफिया वाला डाउन हो जाएंगे प्ले जोन से, एंड टोटल गेमिंग जस्ट लाइक दैट गेट्स एलिमिनेटेड ऑन 7th स्पॉट। माफिया वाला जा बॉय, दैट्स द एंड। बट द गुड पार्ट इज इवन कि उन्होंने यहाँ पर किल्स किसी टीम को नहीं दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर किल्स किसी टीम को नहीं दिया। और वहीं दूसरी तरफ सिक्स सेंस इनके काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। यहाँ पे जेब आईटी का ग्रेनेड आता है, ऋषभ को फिलहाल यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। त्यागी की एचपी बहुत ज्यादा कम है, राइल की एचपी बहुत ज्यादा कम है, और इसी के साथ अगर हम देखें दोनों ही टीम यहाँ पर एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज, टीम मिलिट यहाँ पर आते भी दिखाई दे रही है फ्रेम के अंदर। थर्ड पार्टी यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इल्यूमिनाटी फिलहाल वहाँ पे नॉक हो चुके हैं, जेब आईटी भी फिलहाल यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, स्टोनर एंड यहाँ पर फैबिंद्रो लोते दिखाई दे रहे हैं। वहीं हमारे त्यागी के पास ग्रेनेड लॉन्चर है, चाहे तो अच्छी खासी किल्स वहाँ पर उठा सकते हैं, लेकिन उसी के साथ किलर आगे की तरफ बढ़ेंगे, किल्स यहाँ पर निकालेंगे। फैबिंद्रो वहां पर अकेले रुक कर वहां पर कोशिश करेंगे कि वेट करें, उनको डैमेज प्रोवाइड करें, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ब्लैंक शॉट यहां पर दिए जाते कि भाई रोका जाए प्लेयर्स को, वो यहां पर बखूबी देखा जाएगा। फैबिंद्रो ने फिलहाल एक प्लेयर को यहां पे नॉक जरूर किया है, क्या वो किल कंफर्म कर पाएंगे जाने से पहले? जी नहीं, टीम एलिट के काफी अच्छा कवर यहां पर मिलते हुए, लेकिन दोनों ही टीम्स को काफी ज्यादा क्लोज में यहां पर आना पड़ेगा। उसी के साथ अगर हम बात करें अंकुश एफएफ यहां पर हम लोग को दिखाई दे रही है, टीम एलिट के यहां पर काफी ज्यादा प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं, पाड़ी फिलहाल यहां पर नॉक हो चुके हैं, आइकॉनिक यहां पर नॉक हो चुके हैं, किलर कैच भी बहुत ज्यादा कम है, जॉन्टी वहां पर अकेले दिखाई दे रहे, तो अपनी टीम को यहां पर कवर देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एफएफ यहां पर बखूबी शॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्या वो टीम एलिट को यहां पर वापस लॉबी में भेजेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन 3v3 की सिचुएशन, जॉन्टी एकलौते हैं जिनके पास 100 एचपी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वही हमारे एफएफ यहाँ पर अच्छा खासा फायदा उठाते हुए, लेट्स सी यहाँ पर क्या वो पूरी टीम को पर वाइपआउट कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर खुद यहाँ पर वाइपआउट करेंगे। ड्यूल्स यहाँ पे डाली जा रही है, क्लोज इनफाइट है, जॉन्टी भाई यहाँ पे डैमेज देने के साथ कोशिश कर रहे हैं, MP40 के साथ एक प्लेयर को काफी ज्यादा क्लोज में जाकर डैमेज दिया गया, प्लेयर वहाँ पे नॉक हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ आई गेस माफिया को यहाँ पर रिवाइव देना इज नॉट पॉसिबल। लेकिन त्यागी ने भी फिलहाल यहाँ पर जॉन्टी को नॉक कर दिया है, पार्टी को यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें त्यागी भी फिलहाल यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, पार्टी के एचपी बहुत ज्यादा कम है, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? जी नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, किलर की एचपी हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे करके कम हो रही है, क्योंकि जोन उनको डैमेज दे रहा है, लेकिन राइल वहां पर उनको डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ टीम एलीट और हमारी जो एएफएफ क्रश ईस्पोर्ट्स, एएफएफ ईस्पोर्ट्स हमारी यहां पर एलिमिनेट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि क्रश ईस्पोर्ट्स भी एक्चुअली यहां पर फाइट ले रही थी, मैं एकदम से उसमें स्विच हो गया। तो यहां पर अगर हम बात करें एक के बाद एक जो हम लोग को फाइट देखने को मिली ऊपर की तरफ से, वो बहुत शानदार थी यार, मतलब लग रहा था कि वहां पर ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल, यहां पर गैलेक्सी रेसेस सम वे और द अदर टॉप 3 टीम्स में आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर अपना पूरा प्रदर्शन निगा रहे हैं। बट ऑब्वियसली दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्लेयर्स राइट नाउ, एंड एक प्लेयर को यहाँ पर डाउन करते हैं हमारी एक में, कैन ही कन्वर्ट इनटू टू? नो, Galaxy Racer gets eliminated on third spot and Crush Esports still survives with all four players on feet. तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस एंड एक अच्छा खासा पोटेंशियल बुआ निकल के हमें देखने को मिलता है कैप्टन किनोत्रा, क्या यहाँ पर कुछ कर पाएंगे, क्या यहाँ पे एक क्रेजी हेडशॉट हमें देखने को मिलेगा? बहुत आलो कर दिया है क्रश ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने, एंड ही स्पिन डाउन, एंड एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्रश ईस्पोर्ट्स ये बुआ निकाल के जाए। किनोत्रा लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, से नो मोर, Duke comes in and clutches out for the team as well, and hame dekha, I think captains, you will be have to talk.